हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 24 की शुरुआत में थैंक यू इवेंट से पूछ रही होती कि क्या तुम्हें याद है मैं यहाँ पर तुम्हारा बास्केटबॉल मैच देखने के लिए आया करती थी। यूहिंग कहता है लेकिन मैंने तो कभी भी नोटिस नहीं किया। थैंक यू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यूहिंग कहता है कि उस टाइम पर हम लोग बहुत कम एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन तुम आइंदा से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना जिसकी वजह से दूसरों को गलतफहमी हो। अब मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप बदल गया है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ और तुम मेरी सबॉर्डिनेट हो। तेंगे यूहिंग से कहती है कि मैंने क्लासमेट्स की एक गैदरिंग अरेंज किया तो क्या तुम आओगे। यूहिंग कहता है कि मुझे काम है तो मैं नहीं आऊंगा, ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब यूहिंग शानिंग को लेकर बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है और ये शानिंग को बता रहा होता है कि उस टाइम पर मैं अपनी टीम का टॉप प्लेयर हुआ करता था। शानिंग हंसते हुए कहती है कि कोई भी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। अब ऐसे ही यूहिंग शानिंग को सारी यूनिवर्सिटी दिखाते हुए बता रहा होता है कि ये अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पर क्या किया करता था। यूहिंग कहते हैं कि इस वक्त मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे कंपनी देने के लिए भी कोई हो। शानिंग कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूहिंग कहते हैं कि आज जब मैं तुम्हारे साथ इन्हीं रास्तों पर वॉक कर रहा हूँ तो उस वक्त का सोच कर भी मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा। शानिंग कहती है कि इसका मतलब है कि कॉलेज टाइम पर तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ स्टडीज पर था, तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं थे। यूहिंग कहता है कि हाँ। शानिंग कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सारा वक्त तुम्हारे दिल में तुम्हारी वो ड्रीम गर्ल थी। अब यहाँ पर यूहिंग की मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट सनशन से हो जाती है। सनशन यूहिंग से पूछता है कि ये कौन है, तो शानिंग कहती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब तेंगे अपने क्लासमेट से मिलने के लिए आई होती है। ये लोग अभी भी यही बात कर रहे होते हैं कि आज भी यूहिंग और तेंगे क्लोज हैं, इसलिए तो तेंगे उसकी जगह एक्सक्यूज कर रही है सबसे। यहाँ पर सब याद करने लगते हैं कि कैसे यूहिंग ने मासी में तेंगे के सर पर बॉक्स लगने से इसको बचाया था और तभी से तेंगे ने यूहिंग को पसंद करना शुरू कर दिया था। अब इतने में यहाँ पर सनशन आ जाता है जो कि इन सबको बताने लगता है कि अभी मेरी मुलाकात यूहिंग से हुई है और कहने लगता है कि सबसे मजे की बात ये कि यूहिंग अपनी यूनिवर्सिटी अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तेंगे को तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब यूहिंग शानिंग को लाइब्रेरी दिखाने के लिए ले आता है। यहाँ का बॉस यूहिंग को देखते ही पहचान जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यूहिंग कहता है कि हाँ। शानिंग से पूछते कि क्या यूहिंग कभी भी किसी लड़की को अपने साथ नहीं लेकर आया, तो ये बॉस कहता है कि नहीं, एक दफा मैंने इससे पूछा था कि कैसी लड़की पसंद है, मुझे एग्जैक्ट शब्द तो याद नहीं है लेकिन यूहिंग ने तुम जैसी ही लड़की के बारे में मुझे बताया था। शानिंग अब यूहिंग से पूछती है कि क्या बॉस तुम्हारी ड्रीम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। यूहिंग कहता है कि हाँ, ये इसको बताने वाला होता, लेकिन शानिंग इसके बात काटते हुए कहती है कि मैं नहीं जानना चाहती कि वो कौन है, वो जो भी उस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हम दोनों साथ हैं। शानिंग यूहिंग से कहते कि तुम काफी लकी हो, तुम्हें अपनी ड्रीम गर्ल तो नहीं मिल सकी लेकिन उस जैसी लड़की जरूर मिल गई है। ये कहने के बाद शानिंग मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ जॉ फैंग सिस्टर शेंग के घर का इलेक्ट्रिक मीटर फिक्स कर देता है। सॉफिंग जब किचन में आता है तो पानी का पाइप भी खराब होता है। ये देखकर सॉफिंग कहता है कि मैं ये भी फिक्स कर देता हूँ। सिस्टर शेंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो किचन इस्तेमाल ही नहीं करती। सॉफिंग कहता है कि तुम्हें हर वक्त बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सिस्टर शेंग सॉफिंग से कहती है कि तुम लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। सॉफिंग कहते हैं कि इसका क्या फायदा, मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। सिस्टर शेंग कहती है कि मैं भी ये सॉफिंग को बताने लगती है कि जब मैंने अकेले रहना शुरू किया था तो सब कुछ बहुत मुश्किल था। जब भी घर में कोई चीज खराब हो जाती थी तो मुझे लैंडलॉर्ड को बुलवाना पड़ता था और वो मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुझसे ज्यादा पैसे निकलवा लिया करता था। एक दफा कोई मेरे घर में घुस गया था, मैं तो इतना डर गई थी कि मेरे अंदर मूव करने की भी हिम्मत नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि उसने आखिर मेरे घर से क्या चुराया था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, मेरे पास तो घर में कोई भी कीमती सामान ही नहीं था। सॉफिंग कहता है कि मुझे ये सब बातें सुनकर यकीन नहीं आ रहा क्योंकि तुम तो काफी स्ट्रांग दिखाई देती हो। सिस्टर शेंग कहती है कि कोई भी स्ट्रांग पैदा नहीं होता, ये सब कुछ फेस करने के बाद ही मैं स्ट्रांग बनी हूँ। सॉफिंग कहता है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो। सिस्टर शेंग कहती है कि तुमसे बात करते हुए सोच रही थी कि क्या मुझे भी एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जो खाने पर मेरा इंतजार करे, मैं उस पर रिलाय कर सकूं। अगर सब कुछ ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। सिस्टर शेंग और सॉफिंग किस करते हुए रूम में आते हैं तो सॉफिंग सिस्टर शेंग से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। सिस्टर शेंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे रिलेशनशिप का एंड क्या होगा ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो सॉफिंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आज वे चियो को पिक करने के लिए आती है। ये चियो से कहती क्यों ना हम दोनों इस वीकेंड एक्सरसाइज करने के लिए चलें। चियो कहता है कि तुम किस किस्म के एक्सरसाइज की बात कर रही हो। वे कहती है कि मेरी एक दोस्त ने विंड सर्फिंग क्लब खोला है। चियो कहता है कि तुम मुझे बता दो कि कितने पैसे, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। वे इसको कहती है कि 6000 यौन। ये सुनकर तो चियो हैरान हो जाते। वे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे डैड के पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन क्या तुम इसको मेरी तरफ से लोन समझ सकते हो। जब तुम्हें पे मिलेगी तब तुम मुझे
कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। शिव कहता है कि पर पैसों की नहीं है बल्कि लाइफ में सीरियस होने की है। मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सकूँ ताकि जब हम घर खरीदें तो हम पर मोर्टेज का ज्यादा प्रेशर नहीं हो। वे कहती है कि तुम फ्यूचर के बारे में अभी बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि फ्यूचर की खातिर हम अपनी आज की खुशियों की कुर्बानी देना शुरू कर दें। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ विंड सर्फिंग के लिए जाना चाहती थी लेकिन तुमने इस बात को इशू बना लिया है। वे ही नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। आज वे अकेले विंड सर्फिंग के लिए आ जाती है लेकिन अपने फोन को देखते हुए कहने लगती है कि पूरा दिन गुजर गया लेकिन इसने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। अब रात में वे शिव से मिलने के लिए आ जाती है, देखती है कि शिव अपने काम में बहुत मसरूफ है। अब शिव वे के साथ बैठकर नूडल्स खा रहा होता है तो वे से पूछती है कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया, तो शिव कहते हैं कि मुझे वक्त ही नहीं मिला, आज मेरी दिन की शिफ्ट थी, मैं तुम्हें काम के बाद पिक करने वाला था लेकिन मेरी एक कुलीग की मम की तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे उसकी जगह नाइट शिफ्ट करनी पड़ रही है, क्या तुम उस पर गुस्सा तो नहीं हो। वे कहती कि मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम्हारा काम इतना मुश्किल है। वे शिव से कहती है कि मुझे भी अपनी जॉब से हर महीने 3000 यौन ही मिलते हैं लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इतने पैसों में अपना पूरा महीना कैसे गुजारूंगी। ये शिव से सॉरी करती है कि मैंने हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही तुमसे डिमांड्स की हैं, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। शिव कहता है कि तुम ऐसे मत कहो। वे कहती है कि विंड सर्फिंग और लेदर शूज वाले मामले में मैं गलत थी, मैं जानबूझकर तुम पर अपनी मर्जी इम्पोज कर रही थी। ये शिव से कहती है कि अब से फ्यूचर में जब भी हमें कोई मसला होगा तो हम उसे मिलकर डिस्कस करेंगे। शिव कहते हैं कि ठीक है। अब सर्फिंग इस बात को लेकर परेशान होता है कि मिस्टर शिया अब्रॉड में और किसी को नहीं मालूम कि वो अब्रॉड से कब वापस आने वाले हैं। निशांग कहता है कि अगर वो 2-3 महीने तक वापस नहीं आए तो फिर हमारी फाइनेंशियल डील वाली प्लानिंग बेकार जाएगी। शानिंग भी ये सुनकर यूएन के लिए परेशान हो रही होती है कि इस पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया है। थैंक यू शानिंग के पास आकर कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त उसकी मदद कर सकती हो। शानिंग कोई जवाब नहीं देती। थैंक यू कहती है कि उस दिन रोड पर मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यूएन के साथ बिजनेस ट्रिप पर भी गई थी। थैंक यू कहती है कि यूएंग अपनी मॉम को लेकर अपसेट है इसलिए तुमने यूएंग के दिल में अपनी जगह बना ली है लेकिन तुम ये मत समझो कि वो तुम्हें वाकई में बहुत पसंद करता है। थैंक यू कहती है कि यूएंग के साथ रहने के लिए मैं ये बैंक छोड़ भी सकती हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। शानिंग को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन ये कोई भी जवाब नहीं देती। अब थैंक यू यूएंग के पास आकर कहने लगती है कि मैं मिस्टर शिया से मुलाकात करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मेरे डैड ने वेजी ग्रुप की एक सब्सिडायरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। यूएंग कहता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। थैंक यू कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, इसी वजह से शानिंग तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन गई है लेकिन क्या तुम इसी मीनिंगलेस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। शानिंग तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और अगर तुम लोगों के रिलेशनशिप के बारे में दूसरों को मालूम हो गया तो इस स्कैंडल की वजह से तुम्हारा करियर ही खराब होगा। टेंग्यू कहती है कि मेरी सिर्फ यही शर्त है कि तुम शानिंग से दूर रहो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मिस्टर शिया से मिलवाने का वादा मैं तुमसे करती हूँ। यूएंग कहता है कि तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया लेकिन मैं ये मसला खुद ही हैंडल कर लूंगा। टेंग्यू कहती है कि तुम भी जानते हो कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए कितनी अहम है। यूएंग कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम काम और पर्सनल इश्यूज को मिक्स ना करो। ये टेंग्यू को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहता है। टेंग्यू बहुत गुस्से में ऑफिस से बाहर आती है। अब शानिंग वे के पास आ जाती है, काफी परेशान होती है कि कहीं टेंग्यू इस बारे में सबको बता ना दे। वे कहती है कि वो यूएंग को पसंद करती है और अगर वो ये सबको बता देगी तो इससे यूएंग को नुकसान होगा, वो ऐसा नहीं करेंगी। शानिंग कहती है कि मैं उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि यूएंग के पिछले 6 महीने कितने मुश्किल थे, अब अगर उसकी आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ठीक हो रही है तो मैं नहीं चाहती कि इस रिलेशनशिप वाले स्कैंडल की वजह से उसको फिर से सफर करना पड़े। वे शानिंग को बता दे तुम लोग मिस्टर शिया से मिलना चाह रहे हो ना, कल रात मैंने उनको बार में देखा था, मैं वहाँ पर अपने डैड को पिक करने के लिए गई थी, मैंने मिस्टर शिया को नैनी के साथ देखा था। वे कहती है कि इन दोनों का जरूर कोई कनेक्शन है। शानिंग कहती है लेकिन उसकी तो शादी हो गई है ना। वे कहती है कि वो मिस्टीरियस शख्स मिस्टर शिया भी तो हो सकते हैं। आज शिव को सैलरी मिली होती है तो शिव वे के साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाता है। अब वे शिव के लिए सामान खरीद रही होती है कि तुम्हें इसकी भी जरूरत होगी। जब ये लोग बिल करवाने लगते हैं तो बिल 1300 यौन बनता है। ये देखकर वे कहते कि बिल तो बहुत ज्यादा बन गया है, ये कुछ चीजें निकाल देती है लेकिन अभी भी बिल ज्यादा ही होता है। चियो जल्दी से पेमेंट कर देता है। वे को बहुत बुरा लग रहा होता है कि इसने चियो के लिए बहुत महंगा सामान खरीद लिया है। ये चियो से कहती है कि इसी शॉपिंग में तुम्हारी आधी सैलरी लग गई है। चियो कहता है कि तुमने जो भी मेरे लिए खरीदा है वो जरूरत की चीजें हैं और तुम फिक्र नहीं करो, बाकी की सैलरी मेरे लिए काफी है। लेकिन वे कहती है कि मुझे फिर भी बुरा लग रहा है। चियो वे को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। आज शानिंग ऑफिस में बैठकर नियानी को
मैसेज करने के बारे में सोच रही होती है, शाओनिंग अपने आप से कहती है कि मुझे उसको मैसेज नहीं करना चाहिए, वो हर दिन न जाने कितने लोगों से मिलती है, वो तो शायद मुझे भूल भी गई होगी। लेकिन शाओनिंग फिर भी यूएंग की खातिर नियानी को मैसेज कर देती है और कहती है कि क्या हम लोग आज मिल सकते हैं। साथ ही नियानी इसको लोकेशन भेज कर कहती है कि हम आज मिलते हैं। अब शाओनिंग नियानी से मिलने के लिए आ जाती है। शाओनिंग मिलने के लिए थैंक्स बोल रही होती तो नियानी कहती है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने तो वो पैसे भी नहीं लिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। नियानी कहती है कि मुझे किसी से बिना वजह फेवर्स देना अच्छा नहीं लगता। ये शाओनिंग से कहती है कि मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये कहते हुए नियानी शाओनिंग को एनवलप दे रही होती है और कहती है कि तुम प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। शाओनिंग कहती है कि मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नियानी कहती है कि फिर मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। शाओनिंग नियानी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मिस्टर शिया और यूहिंग की एक मीटिंग अरेंज करवा दें। अब यूहिंग की यूनिवर्सिटी का टाइम दिखाया जाता है। शाओनिंग ने वीबो पर ये पोस्ट की होती है कि आज ही यूहिंग की यूनिवर्सिटी देखने के लिए आने वाली है। सनसन ने कह रहा होता है कि तुम आज इतना तैयार होकर बाहर क्यों आए हो, क्या तुम किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो। यूहिंग इतने में तेंग्यू को देखता है, लेकिन इसकी पोनीटेल देखकर इसको लगता है कि ये शाओनिंग है। ये तेंग्यू को रोकने के लिए जा ही रहा होता है कि इतने में नोटिस करता है कि इसके ऊपर बॉक्स गिरने वाला है, तो ये तेंग्यू की मदद करता है। और यूहिंग जब तेंग्यू का चेहरा देखता है तो ये डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये तो शाओनिंग नहीं है। यूहिंग फिर से जब शाओनिंग का वीबो अकाउंट चेक करता है तो उस पर शाओनिंग ने पोस्ट लगाई होती है कि प्लान चेंज हो गया है, मैं अगली बार यूनिवर्सिटी विजिट करने के लिए आऊंगी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 24 खत्म हो जाती है।